नोटबंदी के बाद जिस तरह से काले धन को सफेद करने का बैंक कर्मियों का खेल सामने आया है, उनसे कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या बैंक कर्मियों की मिलीभगत के बिना करोड़ों का वारा न्यारा हो सकता है। दूसरा सवाल ये कि बैंक कर्मियों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों पर सरकार ने एक्शन लेने में देर क्यों की। तीसरा सवाल ये कि जब हेराफेरी की आंच आरबीआई तक पहुंची तो सरकार ने टालमटोल की नीति क्यों अपनाई। और चौथा सवाल ये कि क्या सरकार को बैंक में हो रहे काले धन को सफेद करने के खेल का वाकई पता नहीं था। लेकिन जहां बैंकों के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, वहां सरकार कुछ और बयां कर रही है। कुछ ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप को मिसकंडक्ट किया, और ऑब्वियसली हैं भी, और इसलिए हमारे जितनी कानूनी एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेटिंग, वो उनके खिलाफ कार्रवाई में लगी हुई है। सीबीआई इसको देख रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसको देख रहा है, और बैंक के अधिकारियों को भी, टॉप मैनेजमेंट को हम लोगों ने कहा है कि वो भी इस पे कार्रवाई करें। यही नहीं, बैंक भी खुद को आम आदमी और सरकार के बीच सॉफ्ट टारगेट मानते हैं और जहां तक हो सके अपना दामन पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। और सरकार के बयान में सिर्फ एक्शन लेने की बात होती है, एक्शन क्या होगा इसका खाका पेश नहीं किया जाता। लेट अस नॉट पेंट ऑल द बैंक्स इन सेम ब्रश। सारे एसटीआर जो आते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, दे आर जनरेटेड बाय द बैंक ऑफिशियल्स। सो वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उसी के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। दूसरी ओर नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहे एक्सिस बैंक के खिलाफ लगातार खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे के तहत एक्सिस बैंक के नोएडा सेक्टर 50, सेक्टर 18 और दिल्ली की कृष्णानगर ब्रांच में 63 फर्जी खातों होने की आईटी विभाग को जानकारी मिली है। नोटबंदी के बाद इन 63 फर्जी खातों में 165 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। नोएडा सेक्टर 50 ब्रांच में 23, सेक्टर 18 ब्रांच और दिल्ली कृष्णानगर शाखा में 20 फर्जी खाते निकले हैं। जाहिर है नोटबंदी के बाद उन बैंक खातों में भी करोड़ों रुपए जमा किए गए जिनमें कभी जमा रकम 1000 से आगे नहीं बढ़ी, लेकिन अब वो करोड़ों रुपए से लबालब हैं और सरकार के पास इसका माकूल जवाब तक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भाई कौन है जो नोटबंदी के बाद लगातार काले धन को सफेद करने की कोशिश में जुटा हुआ है? कौन है जो नंदू के खाते में करोड़ों रुपए डाल देता है? कौन है जो 48,000 को 4,80,00,000 रुपए बना देता है? कनौजिया साहब, आपको क्या लगता है कौन है इन सब के पीछे? ये कौन है जो इस गोरख धंधे को चला रहा है? देखिए कि जो काला धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर तो हमारी निगाहें हैं, चाहे वो हमारा डिपार्टमेंट है, ईडी डिपार्टमेंट है, सीबीआई, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, चाहे वो चेन्नई हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, तमाम हिंदुस्तान के सभी शहरों में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, चाहे वो बैंक के थ्रू आ रही हैं कि जो उनकी रिपोर्ट्स में आ रहा है कि कहाँ कहाँ बैंकों में ज़्यादा पैसा जमा कराया गया, चाहे वो सीबीआई की इंक्वायरीज रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, सीबीआई की टीमें जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं, उस पर हम लगातार डे नाइट हमारे तमाम हिंदुस्तान के अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले जो लगभग 2 हफ्तों के अंदर, मैं समझता हूं कि लगभग 400 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है अब तक जब्त किया जाएगा। उसमें नई करेंसी और पुरानी करेंसी, ज्वेलरी, बिल्कुल तमाम चीज़ें जो है हम लोग जब्त कर रहे हैं। और जो बैंक की जो एक्सिस बैंक की जो बात आ रही है कि वो हमारे यहाँ से जो चांदी चौक एक्सिस बैंक की ब्रांच के अंदर एक जाँच की गई थी, वहाँ से पता चला, फिर चांदी चौक ब्रांच में ये जाँच हुई, उसके बाद में ये नोएडा पे चला गया, और तमाम जो फर्जी उसमें जो अकाउंट पकड़े जा रहे हैं उस पर हमारी टीमें, जो इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें लगातार काम कर रही हैं, और उसके आगे जो कार्रवाई होती है वो उस पर प्रयास कर रही है, और उसके जो और इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट हो रही है कि और कौन कौन से ऐसे अकाउंट हो सकते हैं, जानकारी के बाद में हम उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें कोई, और सर मुझे ये भी मालूम है कि आप इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे कि क्या आपको अभी तक मिला है। लेकिन एक सवाल मैं एस सी सिन्हा साहब से लेना चाहता हूँ, वो तो नहीं पता। हाँ बिल्कुल, एस सी सिन्हा साहब, अगर इतने बड़े पैमाने पर रेड हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर फर्जी खाते और फर्जी करोड़ों रुपए का मिलना, तो क्यों ना बैंकों पर सवाल उठाएं सर? मैं ये कहते हुए कि मैं भी मानता हूं, आया वी अप्रिशिएट कि जिस बैंकों ने बड़े अच्छे लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से नोटबंदी को सफल बनाने की कोशिश की, दिन रात काम किया, और उनके लिए ये पेनफुल रहा, लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं कोई गलती है तो उस पर सवाल क्यों ना उठाए जाए सर? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में ब्लैकशिप होते हैं, ये हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कुछ गलत खातों में या किसी खाते में, डोरमेंट अकाउंट में या इनऑपरेटिव अकाउंट में या जनधन अकाउंट में बड़े अमाउंट आए हैं, इसका मतलब ये नहीं
कोई बैंकर के इन्वॉल्वमेंट से आया हो, हो सकता है कि उनकी लापरवाही रही हो, लेकिन आप इस टाइप के खाते देखेंगे, आप जमा तो कोई व्यक्ति कर सकता है दूसरा, लेकिन विड्रॉल पर उसको वो तुरंत नहीं कर सकता है, वो सस्पेक्ट ट्रांजेक्शन के रूप में ऑटोमेटिकली वो अलर्ट चलाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को, ताकि वो तुरंत कार्रवाई कर सके। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो पैसे आ गए हैं तो वो कोई निकाल के ले जाएगा और उसका मिसयूज होगा, इसकी संभावना बहुत ही कम लगती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ब्लैक शिप थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन ये इतना जबरदस्त ब्लैक शिप की वजह से जो बैंकों बैंक और बैंक के प्रति लोगों का भरोसा था, सम्मान था, उसमें बहुत कमी आ गई है, क्योंकि लोग अब बैंकों पर सवाल उठाने लगे हैं जैसे जैसे खबर आ रही है। गौरव, मैं ये बोलना चाहूंगा, जल्दी कंप्लीट कीजिए, समय नहीं। गौरव, मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोग बहुत कम है और उन पर इतनी पकड़ है विजिलेंस डिपार्टमेंट की, कोई ऐसा गड़बड़ नहीं। चलिए, आप हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। एनएस वेंकटेश, आप भी यही मानते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? I would always say that the number of instances where any bank official is getting involved is being immediately tracked, and the CBI is doing its job based on the STRs which have been filed by the banks themselves. So I think we should not paint with one brush the entire banking sector. The entire banking sector is doing a wonderful job and is taking it as a national duty to ensure that this demonetization becomes successful. Okay. So I think we should not unnecessarily paint the bankers in that sort of a thing. Wherever something has happened, immediately the Income Tax Department is taking action, the Enforcement Directorate is taking action, CBI is taking action. और वी होप सर, हम उम्मीद करते हैं कि बैंक कर्मी पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और वो खुद ऐसे जो लोग हैं उनको भी, उनको उनका खुलासा भी कर रहे हैं, और किसी को भी काले को सफेद करने की इजाजत नहीं दे रहे हो। लेकिन सर, खबरें आती है तो क्या करें? सक्सेना साहब, एक फाइनल कमेंट आपका ही, कैसे देखें इस पूरे मसले को? बैंक हैं, काले धन को सफेद करने वाले लोग हैं, या नंदू है, किसको कटघरे में खड़ा करें या सबको कटघरे में खड़ा करें? देखिए, इसमें सभी लोग गिल्टी हैं, बिकॉज ऐसा है कि बहुत केसेस में ये काम जो है ब्लैक का वाइट करना मिली भगत में हुआ है। कुछ केसेस में बैंक वाले जो हैं कुछ अनस्क्रूपलस एलिमेंट से मिल गए हैं। तो मुझे लगता सरकार है की जिम्मेदारी पर कुछ कहेंगे, सरकार के ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे, अगर आप सरकार का आपको यहाँ पे कोई पॉइंट दिखता हो तो? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ी बहुत अगर एडवांस प्लानिंग होती तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जो ऐसी हो रही हैं। एक बात में बहुत कुछ कह दिया, बहुत शुक्रिया सर, हमारे पास समय नहीं है, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। तो नंदू का सच क्या, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हमें अपनी एजेंसी पर भरोसा होना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, पुलिस, जो भी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने रखेंगे। और बैंक कर्मियों को कम से कम जो भरोसा थोड़ा सा कम हुआ है, उसको फिर से ऊपर करना चाहिए, फिर से भरोसा मजबूत करना चाहिए लोगों का, और डट के सामने आना चाहिए, और किसी को भी काले धन को सफेद करने में मदद नहीं करनी चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल हमारे शो में बस इतना, नमस्कार।